देखिए, पेरेंट्स को लेके, पेरेंटिंग फॉर पीस और पेरेंटिंग को लेके तमाम तरह की वर्कशॉप और तमाम तरह की आवश्यकता समाज में बनी हुई दिखाई देती है। परिवारों में जिस तरह का उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का, इवन टीचर्स और पेरेंट्स के प्रति सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है, ऐसा पूछे तो क्लियरली ये बात मासिस में समझ में आती है कि वो घटता हुआ दिखाई देता है। इनके कारणों में जाते हैं तो कुछ मौलिक सवाल भी अब तो उठते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ये सवाल अब यंग बच्चों में कॉमन होता हुआ दिखाई देता है कि आखिर शादी किया ही क्यों जाए। ये भी एक सवाल है कि लड़का लड़के के घर में जाएगा कि लड़की लड़के के घर में, लड़का लड़के के घर में क्यों नहीं आना चाहिए। ये भी एक सवाल है कि आखिर बच्चे पैदा ही क्यों करना है, क्योंकि इतने सारे बच्चे समाज में अनाथ हैं, उनको गोद क्यों नहीं ले लेते हैं। तो सुनने से ये सारे प्रश्न बहुत लॉजिकल भी लगते हैं, और चूंकि अभी की पीढ़ी को यदि शादी को लेके और इन सब मामलों को लेके बहुत क्लैरिटी नहीं है और मनमानी की जगह तो बन ही गई है, लेकिन ये सारे प्रश्न ये तो बता रहे हैं कि शादी का पर्पस हमारे पास नहीं है। तो शादी को लेके तो ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि शादी दो लोगों के बीच में है, दो परिवारों के बीच में है, या एक सामाजिक घटना है। अभी तक हम ये भी मानते रहे कि एक समय था जब गरीबी थी और हम अपने बच्चों को बहुत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाए, और फिल्मों में अक्सर ये इमोशनल डायलॉग भी सुनने को मिलता है, मैंने जो कुछ भी गलत किया अपने बच्चों की बेहतरी के लिए किया। सुविधाओं को लेके हमको ये भी सब देखने सुनने को मिलता है, लेकिन जो कुछ भी सुविधाएं हम दे पाए उसके चलते भी जो माँ बाप और बच्चों के बीच में दूरियां हैं वो तो कोई ख़त्म होती हुई दिखाई देती हैं, ऐसा नहीं है। तो अब ये भी समझ में आता है कि यदि शादी का पर्पस ही डिफाइंड नहीं है तो एक माँ बाप भी डिफाइंड नहीं है। तो शादी को लेके ये बात कहने में ठीक लगता है, सुनने में ठीक लगता है, जीने में ठीक लगता है कि बेसिकली विवाह दो मानव इस बात की घोषणा करते हैं कि हम आने वाली पीढ़ी को ज़िंदगी देने के लिए तैयार हो गए हैं, सक्षम हो गए हैं। इस घोषणा को सुनने के लिए पूरा समाज इकट्ठा होता है और समाज भी अपना कमिटमेंट शो करता है कि हम आपके साथ हैं। इसका मतलब है कि केवल बच्चों को सुविधा उपलब्ध करा देना, खाना पीना उपलब्ध करा देना, टैबलेट उपलब्ध करा देना, ये गलत नहीं है, आवश्यक है पर पर्याप्त नहीं है। लेकिन एक माँ बाप किस श्रेष्ठ आचरण के साथ जीते हैं, किस भाव और विचार के साथ में जीते हैं, ऐसा जीता हुआ अपने माँ बाप को देखकर बच्चे के मन में ये स्वीकार हो जाए कि मानव के रूप में मुझको कैसा बनना है और वैसा बनने का सामान और तैयारी अपने घर में उपलब्ध है, ये माँ बाप होने की तैयारी है। शिविर, बेसिकली शिविर का पर्पस ही इतना है कि सही अर्थों में आदमी को, यदि आदमी की सारी ज़िंदगी और उसकी सारी मेहनत को देखते हैं तो सारी मेहनत इसी बात की है कि उसके एट द एंड ऑफ द डे उसको लगे कि हाँ, मैं जिया, जो अपने बच्चों को देना चाहता था मैं जिया, जैसा अपने परिवार को देखना चाहता था मैं उसको वैसा देख पाया, और जैसा मैं समाज को देख पाता था वैसा मैं देख पाया, उसमें जो मेरे योगदान की ज़रूरत थी मैं ऐसा कर पाया, ऐसी योग्यता से संपन्न हो जाएं, इसी के लिए शिविर एक शुरुआत है।